देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूं आप सभी को, एक कंफ्यूजन थी सभी के दिमाग में भी, हो क्या रहा है। मसला ये था कि हमारा ये लखनपुर का मेन चौक है, बहुत ही कंजेस्टेड चौक है, और यहाँ पे तीन बाड़ें हमारी इसको टच करती हैं, और हैवी रश यहाँ से आ रहा है, जैसे कि जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, सभी की सभी गाड़ियाँ क्या है कि बाईपास रूट से निकल रही हैं और लखनपुर से होके जा रही हैं टोल बचाने के चक्कर में। तो जो छोटा सा हमारा लिंक रोड है, हमारे गांव हैं, तीन चार गांव लगते हैं, हमारे गांव के लिए वो रोड बना हुआ था उसको, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे इंसिडेंट भी हुए हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं, और हमने थाना दिवस पे एसएसपी साहब को अपनी एक गुहार लगाई थी, अपनी फरियाद की थी, सर हमें बहुत ही ज़्यादा जाम है, हमारे बच्चे स्कूल से नहीं आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं, एक एक डेढ़ घंटा हमें जाम में, यहाँ पे जो 500 मीटर का भी सफ़र नहीं है वो हमें एक एक डेढ़ घंटा बिताना पड़ता है। तो एसएसपी साहब को भी हमने बोला, एसएचओ साहब को भी बोला, और म्यूनसिपल कमेटी के हमारे जो अभी चेयरमैन है राकेश शर्मा एडवोकेट, उनको भी हमने एक एप्लीकेशन अपने मोहल्लों की तरफ से दी कि ये जो रोड है इसको वन वे किया जाए। देखिए, इस रोड को हम जो चाहते हैं रोड चले, रोड कोई बंद नहीं होगा, वन वे किया जाए कि जहाँ से गाड़ियाँ जाएँ और आएँ सीधी सीधी, क्योंकि जब ऊपर से और नीचे से गाड़ी आती है जाम लग जाता है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, रोड कोई बंद नहीं हुआ है, रोड खुला है, पर जाने का रास्ता इधर से है, आने का रास्ता जो सीधा आए और सीधा जाए। मैं JK8 की गाड़ियों के लिए भी एक खुशखबरी एक और देता हूँ, वैसे भी हमारा टोल नहीं कटता था, किसी का फास्टैग से कट जाता था, अभी हमने टोल वालों को भी बोल दिया कि हमें एक पूरी की पूरी लाइन चाहिए जहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं होना चाहिए, कोई भी स्कैनर नहीं होना चाहिए, और वो मान गए हैं, उन्होंने बोल दिया है ठीक है, हम आज से ही एक 20 से लाइन निकलेगी जहाँ पे JK8 बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, आप JK8 वाले जो मेरे भाई हैं बहन हैं वो सभी एक सीधी सी लाइन में जाएंगे, वहाँ पे कोई भी स्कैनर नहीं होगा, आज के बाद सीधे जाएंगे और सीधे आएंगे। जे JK8 के लिए ये एक और नई खुशखबरी है, क्योंकि स्कैनर में टोल कट जाता था पहले, अभी वो आज के बाद टोल नहीं कटेगा। मैं कठुआवासी को बोलता हूँ, आपका JK8 गाड़ी आप सीधी जाइए, और सीधे ही आप ऊपर से क्यों जा रहे हो, आपका पहले से माफ था, और अभी आप किसी को डाउट था कि फास्टैग से पैसे कट जाते हैं, वो आज के बाद नहीं कटेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि ये वन वे हमने कर दिया है, और टोल वाले को भी हमने बोल दिया है कि ये सीधी सी बात है, हमें एक बीच से रोड चाहिए जो हमारी गाड़ी JK8 की जाए और आए, अगर JK2 नंबर की गाड़ी है, कोई दिल्ली नंबर की गाड़ी है, लोकल बंदे ने ली हुई है, वो अपना आधार कार्ड बताएगा, वो उसको भी छूट यहाँ से मिल सकती है, वो भी प्यार से बात करेगा, उसको भी छूट ये टोल वाला ज़रूर देगा।